सिन्हा ने बुधवार को कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे का सपना साकार हुआ है। वहीं उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने इसे खुशी का मौका करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को भूमि पूजन किया। बीजेपी की पूर्व में सहयोगी पार्टी रही शिवसेना राम जन्मभूमि आंदोलन की प्रबल समर्थक रही है। उसने भव्य मंदिर निर्माण के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित शिलान्यास कार्यक्रम पर देश की जनता को बधाई दी। एनसीपी ने इस कार्यक्रम को सभी के लिए खुशी का पल बताया और कहा कि भगवान राम भारतवासियों के आराध्य हैं। शिवसेना नेता एवं महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, सभी हिंदुओं की भावना के प्रतीक भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ। ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के सपने के साकार होने और हम सब के लिए खुशी का दिन है। आदित्य ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, जय श्री राम। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया, बाला साहब का सपना साकार हुआ। इससे पहले दिन में एनसीपी के प्रदेश प्रमुख एवं मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र सांगली जिले में हमेशा भगवान राम के मंदिर में पूजा करते हैं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।